घोर कलयुग नहीं महाकलयुग, जहां धन दौलत के लिए ज़मीन के लिए खून का रिश्ता जहर सा बन गया है। मोहम्मद अब्दुल्ला जो तस्वीर देख रहे हैं, इनका पैर टूट गया है। इनके चचा ने और इनके भाइयों ने मिलकर इनका ये हाल किया है। जिनके पिता का नाम मोहम्मद इब्राहिम है, बिरौल थाना के निवासी है और हट्टी ग्राम के रहने वाले हैं। ज़मीनी विवाद था इनके चाचा के द्वारा तकरीबन कई वर्षों से, ज़मीन का बंटवारा भी हुआ, लेकिन आज तकरीबन सुबह 9:30 बजे मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने बेटों और बीवी और बेटियों के साथ मोहम्मद इब्राहिम के घर पे टूट पड़ते हैं, हाथ में कुदाली डंटा ले करके और मार मार के इनके पूरे परिवार का बुरा हाल कर देते हैं। जहाँ से ये बिरौल के PCH में जाते हैं, जहाँ से DMCH रेफ़र कर दिया जाता है, जिनका कहना है कि इनके पैर की हड्डी टूट गई है। DMCH में इलाज चला, इनके पिता का रो रो के बुरा हाल है। ज़मीन ऐसा हो गया है कि अब रिश्ते नातों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि धन दौलत ही सबसे बड़ा है। जो 8 कट्ठी की ज़मीन है NH 56 पे जो इनकी ज़मीन है, उसको लेकर के ये बड़ा बवाल मचा। क्या कहना है इनका मोहम्मद इब्राहिम का, हम आपको के साथ मुस्तफा का बेटा अफावर और उसका लड़का, उसकी बीवी, उसकी बेटी और उसके साथ उसके रिश्ते मेरा सहयोगी, उसके गांव के ही सहयोगी लोग आकर के मेरे घर में अचानक घुस करके और मेरे परिवार को मारा पीटा, कुल्हार और कुल्हारी से और टंगारी से, कुल्हार भी था टंगारी भी था और फरसा था और लाठी डंडा के साथ घुस गया घर में और घर में सबको मार पीट करने लगा, मारा और उसके बाद मेरे बेटे को कमर का हड्डी और जांघ का हड्डी तोड़ दिया और घर में रखा हुआ सारा सामान को तोड़ करके ले गया सारा सामान को। मेरे घर में जो अटैची था वो अटैची ले गया और मेरे पुतों के गला में चैन था सोना का, वो तोड़ के ले गया और जो है 25,000 रुपया, करीब 25-30,000 रुपया उसमें था। वो लोग क्यों आए आपके घर में, आपके बेटे को या आपके परिवार को मारने? कुछ नहीं, वो जमीन का कुछ झंझट चल रहा था। कौन है ये जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो लोग कौन है आपके? वो मेरा भाई है। आपका अपना भाई है? हाँ, अपना भाई और उसका पूरा परिवार आया था। हाँ, मेरा अपना भाई है छोटा। किस जमीन का, वो जमीन किसके नाम से है? वो जमीन मेरे बाप दादा के नाम से है। अच्छा। हाँ, उसमें हमको हिस्सा देना नहीं जाता है। अच्छा, जो रोड साइड का जमीन है। ओ, कितना कट्ठा का जमीन है वो? जमीन है 8 कट्ठा जमीन है। किस रोड पे है ये रोड? जो है 56 रोड पर 56 है। अच्छा, NH 56 है। हाँ। अच्छा, ये कहाँ पे है जमीन, कहाँ पे? ये जमीन है हाजी से 25-50 पीछे, नहीं नहीं हाजी बिरौल ब्लॉक थाना से 1 किलोमीटर। बिरौल थाना से 1 किलोमीटर मुख्य सड़क पे। जी हाँ। 8 कट्ठी की जमीन है। 8 कट्ठी। ये आपके दादा के नाम से है या आपके पिताजी के नाम से? पिताजी के। आपके पिताजी के नाम से? जी हाँ। कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई। आप लोग 3 भाई हैं? जी हाँ। तो तीनों भाई में से, तीनों भाई के से झगड़ा हुआ या एक भाई कर रहा? एक भाई कर रहा, छोटा वाला। हम मझला है। अच्छा। वो बड़ा भाई उसको हमेशा अपने नहीं जा कर के उसको सिखा देता है। अच्छा अच्छा। वो जा कर के सामान वाला है। हाँ। वो जा कर के हम लोग जमीन को जो है, भाई का क्या नाम है? बड़े भाई। हाँ? बड़े भाई का नाम मोहम्मद इस्लाम है। और जिस छोटे भाई ने मारा उसका? उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। हाँ। पूरा पता बताइए तो आप अपना। हर हाथी मेरा नाम हुआ मोहम्मद इब्राहिम, उसी पंचायत हाटी। कितने लोग जख्मी हुए हैं? आने के लिए कम से कम 7 से 8 आदमी थे। अभी किसको लाए हैं DMCH? सिर्फ हम अपने लड़का को लाए हैं। लड़का को लाए हैं? हाँ। थाना आई थी वहाँ पे? जी। थाना को खबर दिए हैं आप? जी हाँ, थाना पर खबर कर दिए। बिरौल थाना में खबर दिए हैं? जी हाँ। अच्छा, थाना पहुंची थी घटनास्थल पे? नहीं, थाना पर नहीं गई, एक महिला गई थी जो हम उसको PHC हॉस्पिटल में बचवा को जान बचाने के लिए गए। अच्छा। जब तक वो गई पीछे में। हाँ। और क्या रिपोर्ट करके आई? नहीं यार, हमने गाँव के लोग को देखा ही। हाँ। जो कुल्हार को भाज रहा था। हाँ। वो पूरा गाँव का समाज देखा के हाथ में कुल्हार और लाठी लेते हुए। हाँ। जो हम पूरा समाज का लोग देखा, फिर चौक पर घर पर घुस करके और मेरे बेटा को मारा है, जो गांव का समाज सब देखा है वहाँ घर पर। मुखिया या सरपंच कोई आया? सरपंच नहीं आया। मुखिया को हम कह दिए। हाँ। कि भाई ऐसे घटना हुआ है, लेकिन मुखिया कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब? थाना पर बैठा हुआ था मुखिया। अच्छा। कोई जवाब नहीं दिया।
अफवाह करके अपने बेटे को जान बचाने के लिए हॉस्पिटल विरोध हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से डॉक्टरों ने फोन कर दिया और कहा मेरा बड़ा बेटा है वही कमाता है, उसको दो लड़का है एक लड़की है और वो शादीशुदा है। शादीशुदा जो आपने मारा है उससे पहले केस भी है उस पर कोई।